हेलो फ्रेंड, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग थ्री सीक्रेट मंत्र के बारे में जानेंगे। कौन सा ये तीन रूल्स है, बेसिक रूल्स, थ्री रूल्स, थ्री फंडा, जो अगर आपके पास है, अगर आप जानते हैं, तो आपको कभी लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, आपने अगर ये थ्री सीक्रेट मंत्र अप्लाई किए होंगे आपका ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, तो शेयर मार्केट में आपका कभी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ये वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, बट जो मेन थ्री मंत्र है उसको देखेंगे और इसके अगेंस्ट में मैं आपको एग्जांपल पे दिखाऊंगा। ठीक है, कि कैसे काम करता है ये थ्री सीक्रेट मंत्र और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट माय वर्क, माय एफर्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। ओके, तो फ्रेंड आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इनकरेज मिलेगा ऐसा वीडियो बनाने का, और मैं ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ हेल्प एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो दोस्तों देखेंगे थ्री सीक्रेट, फर्स्ट सीक्रेट कौन सा है। यस, द फर्स्ट सीक्रेट, फर्स्ट मंत्र ऑफ स्टॉक मार्केट इज स्टॉप लॉस। काफ़ी हम लोगों का जो इन्वेस्टर्स है, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हम लोग स्टॉप लॉस पुट नहीं करते कोई भी शेयर बेचने के पहले या बाद में। शेयर अगर खरीद रहे हो आप, तो देयर शुड बी सम स्टॉप लॉस, टारगेट स्टॉप लॉस इन योर माइंड। ठीक है दोस्तों, तो स्टॉप लॉस फर्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है लाइव में, लाइव डेमो में, और आपको ये स्टॉप लॉस क्यों पुट करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक शेयर के आपको एग्जांपल देता हूँ स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखिए, फ्यूचर रिटेल एक स्टॉक्स है। ठीक है, फ्यूचर रिटेल्स आपको पता है, जब से रिलायंस और इसका फ्यूचर ग्रुप का डील हुआ था, तब से ये शेयर लगातार नीचे जा रहा है, लोअर सर्किट मार रहा है। सब लोग बोल रहा था कि इसका जो सपोर्ट लेवल है 100 है, 100 से नीचे जाएगा नहीं। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि होल्ड करो भाई, होल्ड करो, आपको मिलेगा पैसा। ऐसा नहीं होता है। तो अगर स्टॉक में कोई है नहीं, तो स्टॉक आगे कैसे बढ़ेगा। नाउ आप अगर इसको स्टॉप लॉस लगा देते 100 में, उसका जो सपोर्ट है, तो अगर आप स्टॉप लॉस लगाए होते तो आपको इतना लॉस आज के डेट में नहीं होता। ठीक है, तो स्टॉप लॉस का इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप स्टॉप लॉस अगर मार्केट, शेयर मार्केट खरीदने, कोई भी स्टॉक्स खरीदने के बाद, अगर आप स्टॉक लॉस, फॉर एग्जांपल आप इसको 100 में खरीदे हो, ठीक है, तो 100 में खरीदने में आपको मिनिमम जो इसका स्टॉक लॉस होता है, तो आप अगर 95 भी रखते, ठीक है, 95 रुपीज़, तो आपको 5 रुपीज़ करके लॉस होता, बेस्ड ऑन द क्वान्टिटी एंड कितना आप नुकसान सहन सकते हो, उसके बेसिस में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, इन नॉर्मल वेज में क्या होता है स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस अगर इंट्राडे में होता तो 2% आप लगा सकते हो, बट अगर डिलीवरी है तो थोड़ा सा 2-5% के अंदर आपको लगा देना चाहिए। तो देखिए, अगर ये स्टॉप लॉस आप लगाए होते आज में, तो आपको इतना लॉस नहीं होता दोस्तों। ठीक है, देखिए अभी 73 में ट्रेड कर रहा है, ये जाके और भी नीचे गिरेगा, है ना, और भी नीचे जाएगा, 73-55 भी जा सकता है, इवन 40 भी जा सकता है, ये ज़ीरो भी हो सकता है, कोई बोल नहीं पाता है। ठीक है, कोई बोल नहीं पाएगा। तो स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जितना भी लॉस सहने का शक्ति है, आपको लगता है कि नहीं इस स्टॉक्स में मुझे 5,000-10,000 तक मैं लॉस कर सकता हूँ, तो कैलकुलेट करके उसको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्यूचर रिटेल में जैसे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ऐसे छोड़ दिया खुदा के वास्ते, खुदा के भरोसे, ऐसे नहीं होता दोस्तों। मार्केट अगर ऊपर उठता है, मार्केट गिरता भी है, और कोई मार्केट का कोई कुछ नहीं बोल सकता, नो वन कैन प्रेडिक्ट। ठीक है, तो उसका फंडामेंटल देखिए, उसका न्यूज़ देखिए। ठीक है, उसका आप स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाएंगे तो आपको कितना लॉस होगा आप खुद भी नहीं जानते हो। ठीक है, एटलीस्ट आपको पता होगा कि आपको 5,000 या 10,000 आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, बट
इस केस में तो आपका कोई मतलब ये ही नहीं है, पूरा लॉस ही लॉस है, आपका अमाउंट जीरो भी हो सकता है। उसको स्टॉप करने के लिए आप स्टॉप लॉस पुट करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है दोस्तों? तो ये फ्यूचर रिटेल का स्टॉक्स मैंने लिया था फॉर एग्जांपल और स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है, अभी देखेंगे सेकेंड मंत्र क्या है, व्हाट इज़ द सेकेंड मंत्र ऑफ स्टॉक मार्केट। यस, तो सेकेंड मंत्र दोस्तों ये है कि पेशेंस। यस दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आपका पेशेंस नहीं है, आप अगर करोड़ रुपीस भी लेके आते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपका पैसा ज़ीरो हो सकता है। यस, ज़ीरो हो सकता है। 1 करोड़ लेके आए आप, बट आपका कोई पेशेंस नहीं है, ठीक है, तो आपका इन्वेस्टमेंट पैसा वैल्यू ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मंत्र है स्टॉक मार्केट में, जो सेकेंड मंत्र मैं बोल रहा हूँ वो पेशेंस। पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी देखिए, दूसरा स्टॉक्स में एग्जांपल के लिए लेता हूँ दोस्तों, एसबीआई। ठीक है, एसबीआई में आप देखेंगे पिछले 3 हफ्ते पहले ये स्टॉक्स करीब 170 रुपीज़ तक चला गया था। ठीक है, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था 2-3 हफ्ता पहले। ठीक है, 3 हफ्ता पहले। नाउ सबने सोचा होगा कि ये और भी नीचे जाएगा, बेच के भाग गया, बट ये एक ऐसा शेयर है, एसबीआई एक ऐसा शेयर है, लॉन्ग टर्म में ये दोस्तों 300 भी ये टच करेगा। ठीक है, तो पेशेंस होना चाहिए आपके पास। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर है, तो आप देखेंगे इन्फोसिस, TCS कितना बार स्प्लिट हुआ है, कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, अच्छा स्टॉक्स में निवेश करने से आपको पेशेंस रखना होगा। ऐसा कोई पेनी स्टॉक्स खरीद के आप पेशेंस रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पेनी स्टॉक्स के बारे में पता नहीं है। बेटर टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक रादर देन पेनी स्टॉक्स। ठीक है, तो देखिए एसबीआई शेयर्स में आप अगर पेशेंस लेके चलते हैं, 170 रुपीज़ में अगर आप खरीद लिए होते, तो आज के डेट में इसका वैल्यू कितना है, 193। आपको ऑलरेडी मुनाफा हो चुका है 23 रुपीज़ का, और इसको आप और भी 2 ईयर्स तक छोड़ देते हैं, 2 ईयर्स तक, तो इसका पैसा आपको डबल हो जाएगा, डबल से भी ज़्यादा। ठीक है, तो यही एक फंड है दोस्तों स्टॉक मार्केट का। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप आए हो ट्रेडिंग के लिए आए हो, बट अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो कुछ नहीं है, आपका सारा पैसा ज़ीरो भी हो सकता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये रूल्स है। ठीक है, नाउ दोस्तों विल सी द थर्ड एंड द लास्ट सीक्रेट, ओके, विच इज़ द थर्ड सीक्रेट। सो द थर्ड सीक्रेट इज डिसिप्लिन। यस, डिसिप्लिन इज द थंब रूल एंड द थर्ड रूल। 3 सीक्रेट्स में से 3 रूल है ये लास्ट रूल डिसिप्लिन। उसका भी मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा कि डिसिप्लिन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल में। देखिए, डिसिप्लिन होता है कि आपका जो माइंड में है, जो आप नॉलेज की हो इतने दिन, उसको अप्लाई करना। किसी की न्यूज़ में बहका में आके कोई आपको बोल दिया कि ये भाई बहुत अच्छा स्टॉक से ले लो, ऐसा नहीं है। आपको पता है किन सा प्राइस में आपको खरीदना है, कब बेचना है, कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का बिजनेस मैनेजमेंट देखने के बाद आपका जो कैलकुलेशन है उसके उससे बाहर आपको नहीं जाना है। डिसिप्लिन बोलना है इस सेंस में कि आपको डिसिप्लिन करना है कि एक स्टॉक्स अगर आपको मिल रहा है तो उसको आप बल्क में मत खरीदिए एक बार। ठीक है, पार्ट पार्ट करके खरीदिए। पहले मान लीजिए आपको 500 क्वांटिटी का स्टॉक्स लेना है एसबीआई में, तो पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले 100 ले लिए, फिर उसके बाद और 100 ले लिए, और अगर उसका प्राइस गिरेगा तो आप और एक्यूमुलेट कीजिए 200 में, मतलब एक डिसिप्लिन वे में। ठीक है, आप किसी भी न्यूज़ में आके इन्फ्लुएंस मत होइएंगे, और आपका जो खुद का जो नॉलेज है, खुद का जो एक्सपीरियंस है, उसको अप्लाई करेंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये स्टॉक्स ले रहा हूँ, हैप्पीएस्ट माइंड्स। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो आईपीओ है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आपको पता है 165-166 उसका आईपीओ इसका ऑफर किया था। नाउ जब लिस्टिंग हुआ दोस्तों आईपीओ का, हैप्पीएस्ट माइंड्स का, तो कितने रुपीज़ में लिस्टिंग हुआ आप लोगों को शायद पता होगा, ये 350 रुपीज़ में इसका लॉन्च हुआ था, 351। नाउ मोर देन डबल पैसा आपको
लिस्टिंग में दिन में आपको मुनाफा हो गया। नाउ बहुत इन्वेस्टर्स ऐसा है, उसको लालची इतना है, इतना था उसको, इतना वो प्राइस उसको ये स्टॉक्स अच्छा लगा, वो सोचा था और भी ऊपर जाएगा और वो हाईएस्ट टॉप लेवल में खरीद लिया IPS माइन 350, 360, 387 में भी इसको काफ़ी लोगों ने ख़रीदा। अभी देखिए ये स्टॉक्स का अभी प्राइस क्या है, स्टॉक्स का अभी प्राइस है 329। अगर आपने डिसिप्लिन तरीके से इसको ख़रीदा होगा, अगर आपका डिसिप्लिन वे आप मान के चलते, तो ये स्टॉक्स आप अभी भी खरीद सकते थे, ठीक है। 360, 370 उतना ऊपर लेवल में ना ख़रीदे हुए आप, अगर आपको पास अगर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है 300, 320 में अगर आप इसको ख़रीदे और नीचे जाएगा तो उसके आप एकुमुलेट करते तो आपका अच्छा मुनाफा हो सकता था। बट ये स्टॉक 387, 390 में पहुंचने में 1 साल 2 साल लग जाएगा, ठीक है। ये इसका जो रेंज है दोस्तों 300 से 350 तक ही इसका सपोर्ट लेवल है। तो मेरा कहना मतलब यह है दोस्तों कि डिसिप्लिन रखिए, कोई भी किसी के भी कहने पर आके कोई स्टॉक्स खरीद लेना, इस जब मर्जी इसको बेच देना, उसको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर स्टॉक खरीदते हैं आप, उसको ट्रैक कीजिए, उसका फंडामेंटल देखिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए और उसको बल्क में मत खरीदिए, सिस्टमेटिक वे में थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, एक्यूमुलेट कीजिए सो दैट आपका जो एवरेज प्राइस है वो एक अच्छा प्राइस में स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो यही 3 मंत्र था दोस्तों आपसे मैंने शेयर किया, आप अप्लाई कीजिए इसको। तो फर्स्ट मंत्र मैंने जो बोला वो स्टॉप लॉस है, दूसरा है पेशेंस और थर्ड है डिसिप्लिन। देखिए हम लोग सारा जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, हम लोग स्टिल वी आर लर्निंग, ठीक है। लर्निंग कोई बुरी बात नहीं है, लर्निंग का कोई एंड भी नहीं होता है, हम लोग सब लोग लर्न कर रहा है। फीडबैक भी आप लोग शेयर करेंगे प्लीज़, अगर कोई कुछ आप बोलना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बोल के मुझे बताइए, मैं भी ट्राई करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। और आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टॉक मार्केट में आप बहुत सारा पैसा कमाइए बट विथ डिसिप्लिन वे से, ठीक है, विथ पेशेंस, विथ स्टॉप लॉस पुट करने के टू पुट जरूर कीजिएगा, स्टॉप लॉस इज़ मैंडेटरी, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छा रहेंगे, ठीक है, मैं मुझे सपोर्ट करेंगे। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हेल्प टू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।